हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये अगर आपको बनाना है उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगती हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये होता क्या है दोस्तों, उसके बाद मैं नीचे आपको रिक्वायरमेंट्स भी बता देता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स DSC, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, आर द डिजिटल इक्विवेलेंट। जैसे कि ये डिजिटल है दोस्तों, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ठीक है, जैसे डिजिटल आपने पढ़ा, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट नहीं होता है, ऑफ फिजिकल और पेपर सर्टिफिकेट्स। ये फिजिकल या तो फिर पेपर सर्टिफिकेट्स जैसे कहते हैं दोस्तों। लाइकवाइज अ डिजिटल सर्टिफिकेट कैन बी प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वंस आइडेंटिटी। दोस्तों ये एक प्रकार से एक किसी की आइडेंटिटी है, अब ये समझ के चलिए। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्विसेज ऑन द इंटरनेट और टू साइन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स डिजिटली। ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी की आइडेंटिटी इसमें बनाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों DSC काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन में लगता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या क्यों की यूज़ होती है, मैं कहाँ पे यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ईमेल और मैसेजिंग सेंडिंग के पर्पस भी यूज़ होता है। ये काफ़ी सारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में भी लगता है, GST रिटर्न फाइलिंग में भी लगता है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट टेंडर्स में भी लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंडर्स में भी लगता है, TDS रिटर्न फाइलिंग में भी लगता है, EPF रिटर्न फाइलिंग में भी लगता है और रजिस्ट्रेशन में भी लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में जानते हैं कि रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं इसको बनाने के लिए वो क्या क्या देनी पड़ती है। दोस्तों आप चिंता मत कीजिएगा, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरा दे दूँगा ताकि आपको कॉपी पेस्ट करके आपका काम हो जाए दोस्तों। रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन DSE, इसमें आपको देना पड़ेगा फोटो ऑफ द एप्लीकेंट एंड ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। जो भी इसे अप्लाई कर रहा है दोस्तों उसका फोटो और ऑथोराइज सिग्नेटरी आपको इसका देना पड़ेगा। नंबर 2, पैन कार्ड ऑफ एप्लीकेंट एंड ऑथोराइज सिग्नेटरी। दोस्तों इसमें जो पैन कार्ड है उसको ऑथोराइज सिग्नेटरी करके आपको देना है। GST सर्टिफिकेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकाल रहे हैं दोस्तों तो उसका GST सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो भी आपको देना पड़ेगा। नंबर 4, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट एंड ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। दोस्तों ईमेल आईडी आपको देना है, जो भी इसके एप्लीकेंट है वो जो अप्लाई कर रहा है, ईमेल आईडी के साथ साथ उसको अपना मोबाइल नंबर भी देना है। ठीक है दोस्तों, एंड ऑथोराइज सिग्नेटरी। इसके बाद आ रहा है दोस्तों बोर्ड रेजोल्यूशन साइंड बाय द एप्लीकेंट एंड ऑथोराइज सिग्नेटरी ओनली फॉर कंपनी LLP ट्रस्ट। दोस्तों ये बोर्ड रेजोल्यूशन देना पड़ता है अगर कोई कंपनी इसे लेना चाहती है DSE को, या LLP कंपनी, LLP होता है दोस्तों, या ट्रस्ट जो होती है वो उसे लेना चाह रही है तो उसे बोर्ड रेजोल्यूशन साइन करके देना पड़ेगा जो भी एप्लीकेंट है उसको दोस्तों। इसके बाद आ रहे हैं दोस्तों 6 पॉइंट पे, ऑर्गेनाइजेशन ID कार्ड ऑफ द एप्लीकेंट। जो आदमी अप्लाई कर रहा है, जो एप्लीकेंट है उसका ID कार्ड, जो उससे कंपनी का ID कार्ड होगा वो देना पड़ेगा। नॉट अवेलेबल देन अथॉरिटी लेटर ऑन लेटर हेड, अगर उसके पास ID कार्ड नहीं है तो कंपनी के जो लेटर हेड है उसको ऑथोराइज दिखाना पड़ेगा कि हम लोग इसे अथॉरिटी दे रहे हैं इसे निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये लिंक है डायरेक्टर्स लिस्ट एज अपियरिंग ऑन MCA वेबसाइट। दोस्तों ये MCA की वेबसाइट है, ये लिंक आप जिसमें जाएंगे तो आप कंपनी का नाम डाल के इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और कंपनीज एंड LLP।
इसके साथ में दोस्तों, अगर आप ये किसी सीए के द्वारा निकाल रहे हैं तो सीए जो है आपको अथॉराइजेशन लेटर देता है दोस्तों, वो आपको देना पड़ता है उनको रिटर्न में, ठीक है। वो आपसे ये मांग सकता है टू दिस डैच इज डाई टू दिस इज टू सर्टिफाई डैट मिस्टर या मिसेस मेशियस, जो भी यहाँ पे कंपनी का नाम है वो डाल दीजिए, या जो मिस्टर है वो डाल दीजिए, सर्टिफिकेट एप्लीकेंट मोबाइल सो एंड सो प्रोवाइडेड करेक्ट इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशू ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड इज वर्किंग विद द जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो या फिर शी इज हियर बाय ऑथोराइज ऑब्टेन अ डिजिटल सर्टिफिकेट इशूड बाय, यहाँ पे नेम ऑफ द ऑथोराइजिंग पर्सन आ जाएगा, प्लेस एंड डेट आ जाएगा। ये सी ए आपको दे सकता है दोस्तों भरने के लिए। इसके बाद दूसरा आपको वर्ड फॉर्मेट में दे सकता है, यहाँ पे साइन और स्टैम्प रहेगा नीचे दोस्तों, वो भी आपको उनको करके देना है। उसके बाद जो दूसरा आपको डॉक्यूमेंट देगा वो बोर्ड रिजोल्यूशन सजेस्टेड फॉर्मेट, ये टू बी प्रिंटेड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन लेटर हेड। ये आपको कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लेटर हेड है उस पर प्रिंट आउट निकाल के उनको देना है दोस्तों। सर्टिफिकेट ट्रू कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी नेम, जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो held on at that address, address डाल देना है दोस्तों। Resolved that company has decided authorized Mr. या Mrs. Messias जो भी है dies and hereby authorized sign and submit all the necessary papers and data forms etc to be submitted by the company in connection with authorizing any of the personal of the company applicant procedure digital setting। दोस्तों ये यहाँ पे दिखाना है कि जो भी कंपनी इसको ऑथोराइज कर रही है उसका नाम वगैरह देना है, बोर्ड रिजोल्यूशन के लिए पूरा भर के दोस्तों उनका नाम उन कंपनी का नाम देना है और वो प्रोसीजर जो है डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए करवा रहे हैं। The acts done and documents shall be binding on the company until the same is withdrawn by giving written notice thereof. Specimen signatures of the authority signature and applicant. यहाँ पे signature करने आ रहे हैं जो भी authority authorized signatory है उसका या जो भी applicant है वो। Resolved further that company of the above resolution duly certified as true designated director authorized signatory of the company be furnished to anyone as many as required from time to time in connection with the above matters for the organization yahan pe seal and signature aur authorized signatory sign aa jayega applicant ka naam और डेजिग्नेशन आ रहा है। पूरी डिटेल दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से जरूर मदद की होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।